मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इधर 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 से भी एक बंदे को लेके जाता था, क्या नाम है वो, द्वारका जाता था सेक्टर 12, उबर करता था वो हमेशा। अरे फिर तो डाला ही नहीं भाई, वो तो कैंसिल तो करवा दिया कस्टमर से, मगर कस्टमर ने ससुरे ने मेरा ही रीजन डाला। अब कोई बात नहीं, हमने भी चैट पर डाल के बोल दिया कि भाई हमारा गलत, हम तो पहुंच रहे थे। तो भाई कस्टमर बोल रहे हैं आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, जाना चाहे तो जा सकते हो, आपका पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कॉल कर देना। भाई विश्वास के साथ तो हमने छोड़ दिया इसको। देखो दोस्तों, यहाँ तो उम्मीद पर पानी फिर गया भाई, कुछ मिला ही नहीं भाई, ना कुछ बजा, बजा तो वो उल्टा बज रहा है नोएडा का, गाजियाबाद का, वहाँ क्या करूँगा यहाँ जाके, यहाँ आके फंस गया भाई। तो हाय दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भाई आज है दिन अपना कौन सा है बताएगा कोई, आज दिन कौन सा यार, मैं भी भूल गया कौन सा दिन है, एक मिनट देखने तो यार, हाँ मंगलवार का, सॉरी भाई मंगलवार का है, मीटर रीडिंग है भाई 69, 70 मान लो 70, ठीक है। और एक रैबिट में राइड एक्सेप्ट करी है हमारे मित्र की मायापुरी, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं इधर 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 से भी एक बंदे को लेके जाता था, क्या नाम है वो, द्वारका जाता था सेक्टर 12, उबर करता था वो हमेशा। अरे फिर तो डाला ही नहीं सारा आईडी ब्लॉक कर देगा अगर ऐसे चला गया तो। मैं तो वही का लोकेशन हूँ, कभी कभी तो मुंदरी से दिखता था ना सामने से आते हुए, मैं चलो आज उधर ही खड़ा हो जाता हूँ, बस चल रही है धीरे धीरे महंगी पार। लो जी सर आपका 124 दिखा रहा है, आज कैसे बढ़ गया, मैं तो बल्कि कम करके लाया हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने पैसे जैसे लेने गया तो बताया 124 कैसे दे दिया, बल्कि मैं तो छोटे रास्ते से लेकर आया हूँ, बल्कि आगे से घुमा के भी नहीं लाया। 150 लेता मैं, 150 देता, 200 होता मैं 300 देता। अच्छा चलो ऐसे कस्टमर होने चाहिए जो कंपनी के लिए, चलो धन्यवाद। लो भाई हमें दिया 112, अब यहाँ करते हैं हम पोर्टर ऑन। भाई जी कह रहे थे कि हम जो है रैपिडो से ना, अगर हमारे से रैपिडो फालतू पैसा लेती है ना, तो भाई साहब हम तो निकाल लेते हैं, मगर कैसे, बस अपना टेक्निक है। मैं कहा बढ़िया है भाई, ऐसे होना चाहिए, निकालना आना चाहिए कस्टमर से। भाई बजा 191 मगर देखो भाई बजी गई यहाँ पे, तो देखो एक मिनट कहाँ का है लोकेशन, कितनी दूर है, 191 का है भाई यार, 7.3 मिनट है। चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या पार्सल है। अब कहाँ का लोकेशन है, लक्कड़ हाले वाला काम नहीं खराब करते, अरे पता है समाज तो रिचार्ज तो कर लिया भाई मेरे, देखते हैं। एमएस फ्लाइट बुक, हाँ जी, अच्छा ये जाएगा, पेमेंट भेज देंगे, ठीक है, आराम से ले जाना, खाना है। अच्छा खाना है, कोई बात नहीं सर, 15 किलोमीटर, अच्छा उस साइड है, ठीक है धन्यवाद। लो भाई इसलिए हमें खाना है, खाना ही लेके चलते हैं, थोड़ा लटकाते हैं तो बढ़िया। बजी भाई कहाँ के बजे, विष्णु गार्डन क्याला, कोई बात नहीं 179 का, इतनी दूर है, पिकअप यार ये लंबा ना दे दे, अरे यार ये क्या बात भाई, कैंसिल करवाना पड़ेगा, मतलब इतनी दूर से मेरे को ही मिलना है। शिवा पर अशोक नगर, ज्यादा दूर नहीं दे दिया उन्होंने यार, हद है, लटका दो यार, मैं तो इसे फोन कर देता हूँ, ऑर्डर वाले को करना पड़ेगा, रजत इसको कॉल करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा आने में। हाँ जी सर, कहाँ 46 में ना, 146 या 47 में, अच्छा मैं 46 में वेट कर रहा हूँ। और माता जी, अरे यार एक मिनट माता जी, एक मिनट, हाथ से जा ही नहीं रहा ससुरा, एक मिनट, चलो भाई हो गया पार्सल डन, इसको देखते क्या है लफड़ा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, चलो देखते क्या होता है, कैंसिल करवा के बात करते हैं। भाई वो तो कैंसिल तो करवा दिया कस्टमर से, मगर कस्टमर ने ससुरे ने मेरा ही रीजन डाला। अब कोई बात नहीं, हमने भी चैट पर डाल के बोल दिया कि भाई हमारा गलत, हम तो पहुंच रहे थे,
कैंसिल तो अगले बंदे ने किया और ये किसका फोन आ गया भाई देखो उसको कैंसिल कराने के बाद एक बज गया भाई करोलबाग के लिए ठीक है 169 का अमाउंट है टोटल ही बजा और ये कम से कम भाई 1.5 किलोमीटर है ठीक जो है यार 5 किलोमीटर की कौन सी बात हुई ये तो कोई टुक नहीं हुआ ना भाई तुम्हारा चलो फटाफट से कस्टमर के पास पहुंचते हैं देखते पार्सल क्या है फिर इसके बाद देखते हैं आ तो गए भाई वैसे फोन नहीं आते हाँ जी सर ये एक्सिस बैंक के पास खड़ा हूँ एक्सिस बैंक के पास खड़ा हूँ भाई जी जहाँ का लोकेशन खत्म हुआ वहीं आ गया मैं तो एक्सिस बैंक से कहाँ आ गए मुझे क्या पता मेरे तो जो लोकेशन खत्म हो गया हम तो आ गए पता नहीं सर मुझे सरकारी स्कूल का यहाँ का नहीं पता सर हम लोकेशन के हिसाब से चलते हैं हम यहाँ के थोड़ी है लोकल नहीं है ना अरे तो डाले तो हमारा तो लोकेशन यहाँ खत्म हो गया ना आप मैप में तो सेटिंग कर लिया करो थोड़ा आप कहाँ ढूंढू मैं आप मुझे करंट लोकेशन भेजो इस नंबर पे यार हमें तो इतना टाइम नहीं लगता लोकेशन भेजने में जितना टाइम ये लगा रहा एक मिनट सर देखने दो ठीक है सर आ रहा हूँ 400 मिनट करो बा गुरु नानक ओके चलो भाई पार्सल तो ले लिया हमने स्टार्ट करके देखते हैं कितनी दूर दिख रहा है यहाँ से फोन आ गया अब किसका फोन आ गया जीत का ही फोन आ रहा है दिख नहीं रहा ऊपर आ नहीं रहा क्या फोन करूँ इसको मैं कहाँ फोन उठाऊं शो करे तब तो इंसान फोन को उठाए ना शो नहीं करा तो फोन क्या उठाऊं मैं लो हाँ सर ले लिया मैंने ले लिया बस पहुँच हाँ हाँ बस भेज रहा हूँ सबको जल्दी है भाई मुझे भी जल्दी है बट मेरा फोन नहीं जल्दी कर रहा तो बताओ मैं क्या करूँ मैप हो जाए तो बढ़िया है अब मैप कब होगा ये नहीं समझ में आ रहा भाई 9.4 किलोमीटर 29 मिनट दिखा रहा अब यही सही सही है गलत है क्या है चलो भाई 12:22 हो गए मिलते हैं भाई ड्रॉप पे एक वही दिखा रहा हूँ 170 ओके तुम पूरा 150 लोकेशन कहाँ है सारा पागल कर देगा मेरे को आज ये भाई इतनी दूर है 2.5 किलोमीटर क्या यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार 2.5 किलोमीटर की पिकअप दे रहे हो यार और यहाँ से पीतमपुरा जाना है 150 रुपये का अमाउंट है रोहिला कीर्ति डी एस मार सेकंड फ्लोर दया बस्ती है चलो कोई पहुँचते भाई 12 बजे तो दोस्तों फाइनली लोकेशन पे पहुँच तो गया था ठीक है अब पहुँचने के बाद लोकेशन उनका गलत था तो भाई मैं तो जाऊँगा नहीं इतनी दूर कम यहाँ से वहाँ पर पहुँचने के बावजूद भी 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था तो भाई उसको कैंसिल कराने के बाद अब एक दो और बजे छोटे छोटे बजे मगर भी यार मेरा मूड नहीं किया अब ये एक मूड का कवल किया है इसको बोलो कैंसिल हो गया हेलो हाँ तो अब तो कैंसिल हो गया मैंने तो 3-4 बार कॉल किया आपने नहीं उठाया तो मेरी गलती थोड़ी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना सर मैंने तो कॉल किया ना एक कॉल नहीं आया तो मैं क्या करूँ हाँ ऐसी बहसबाजी बताओ कैंसिल करके अब फिर भाई एक बज गया भाई अपना मुंडका के लिए बच गया भाई मुंडका एक्सटेंशन के लिए पता 200 कुछ रुपए का है मैं कहा चल यहाँ से निकल यार दिमाग खा गया क्योंकि अभी टाइमर भी लगे हुआ 3 ऑर्डर मिस हुए हैं ठीक है तो इसके हिसाब से चलो पहुँचते फिर बात करते हैं अरे यार आना फंस जाता है दिक्कत हो जाती है हाँ जी हाँ पोर्टर लोकेशन तो उससे आगे दे रखा है धपाटी इनको तो देखना चाहिए था लोकेशन वाले पता नहीं क्या करते हैं ये चलो ठीक है हमें परेशानी हो जाती है ना हाँ वही चीज है फंडा है चलो ठीक है अरे उधर वो बेवड़े लोग थे ना मैं उनसे पूछ रहा बस वही खत्म है इसलिए मैं आगे आ गया पेमेंट वही करेंगे ना ये कैमरा अच्छा।
चल हाँ बैग में डाल दिया मैंने। भाई यहाँ से कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। अरे रुक जा भाई, एक मिनट। अरे कहाँ फंस गया? ले भाई तू भी निकल जा। चलो भाई एटलीस्ट यहाँ से निकलो भाई, यहाँ की गलियां से बहुत परेशान है, ये तो देखा गया है। अरे भाई 16 किलोमीटर 45 मिनट दिखा रहा है, मतलब कि जाम होगा। कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना हो गया भाई? 1:27 और जुकाम ने कर दिया बहुत तगड़ा परेशान। धन्यवाद जी। ये ना सर, कीचड़ कीचड़ करवा रखा आपने तो इधर। स्विमिंग पूल नहीं है, वो गोरा होने का एक हुआ है बारकोड पे ना। एक मिनट, ओके 219 डन, टाइमर हट गया हमारा भाई। कितना हुआ 219 का? कितना बोला भाई? 175। अब यहाँ से तो मंद कर, यहाँ से घर तो करीब अपना 3-4 किलोमीटर है भाई, घर नहीं जाएंगे। अब ये सेल्फी मांग रहा है यार, इसको सेल्फी देनी पड़ेगी। सेल्फी लेगा नहीं, वैसे लेगा नहीं लेगा। ओके लो भाई, मिल गया हमें पेमेंट, कर दिया डन। 2:11 देखो अब यहाँ से क्या है मंजिल हमारी। तो दोस्तों देख लो भाई, 2:23 हो रहा है और मैं इधर करीब नूला के पास आ गया था नाले पे, ठीक है। और यहाँ से बजी है एक गुड़गांव सेक्टर 51 के लिए, ठीक है। और यहाँ से पिकअप देखो कहाँ, ये रहा पिकअप, 2.5 किलोमीटर दिखा रहा भाई, 2.1 किलोमीटर दिखा रहा, पर कहाँ से दिखा रहा है ये नहीं समझ पा रहा, घुमाना पड़ेगा। सीधा दिखा रहा है, उल्टा यार बक्कर वाला मुंड कहीं का दिखा रहा था। अभी वही कीचड़ से आया हूँ, अब कीचड़ में ही फंसना पड़ेगा मेरे को। जिंदगी खराब है साल, तब बचते नहीं है, घुसने लग जाते हैं यार जब नहीं ले रहा तो। बंद करो यार इसको, अब उस कठिनाइयों से फिर गुजरना पड़ेगा मेरे को। देखते हैं, मिलते हैं भाई दोस्तों, क्या है पार्सल इसका। आई होप भाई पार्सल नॉर्मल होना चाहिए तभी मजा आएगा, अब नॉर्मल हुआ तो मेरी जिंदगी खराब होने है। हाँ भाई, हाय जिंदगी, बताओ भाई जी कौन सा पार्सल है तेरे? हाँ आ रहा भाई, आ रहा हूँ। हाँ सेक्टर 51 के लिए। पैसे वहीं से लेने हैं, ठीक है। हाँ पास लिए है। चल हाँ भाई, कैमरा भाई रिकॉर्डिंग के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है ना, यूट्यूब चैनल भी है भाई, बांध लो जब तक इसको। फिर दे दो बिल, निकालो यार जब तक है ना, बांध ही लेता हूँ तो। किस चीज का? पता नहीं सर, पता नहीं, बाहर इधर पूछ लो कहीं किसी से, मैं तो खुद जान नहीं आऊँ, मैं क्या बता सकता हूँ। चलो फाइनली भाई मन मुताबिक तो मिली। चलो भाई 35 किलोमीटर 1:19 दिखा रहा है, 4 बजे, ठीक है भाई 4 बजे हो 5 बजे हो, मन मुताबिक पर्स मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना।
मन मुताबिक पैसे मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। अरे भाई साहब गैया आ गई मेरी गैया। एक था 40 किलोमीटर, एक था 35, तो 35 लेंगे ना भाई, 40 क्यों लेंगे, पेट्रोल थोड़ी ज्यादा। अरे भाई अम्मा रुक जा, चलो भाई मिलते हैं हम आपको पार्सल के लोकेशन पे। कौन सा इलाका है ये भाई, सेक्टर 51 है ना, गांव का है। लो व्यस्त है ये तो। आज ही सर पोर्टल से बोल रहा था, ये आपका पार्सल लेके आया था, लोकेशन पे हूँ। पार्सल जो लोकेशन दिया था उन्होंने, मैं उसी लोकेशन में, सामने बिल्डिंग है और येलो कलर की। नहीं लोकेशन उधर पीछे खत्म हो गया, इस वजह से तो तभी मैं, जहां हमारा लोकेशन खत्म होता है तभी हम फोन करते हैं। ये आपका पार्सल है, पेमेंट पे, पेमेंट हुआ नहीं क्या? नहीं बिल मिलेगा, और ये बिल 393 नाम आएगा विकास कुमार। इन दोनों का पेमेंट 14 रुपए मिले भाई, 4:10 चलो देखते नेक्स्ट कब मिलता है हमें। तो भाई कस्टमर बोल रहे हैं आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, जाना चाहे तो जा सकते हो, आपका पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कॉल कर देना। भाई विश्वास के साथ तो हमने छोड़ दिया इसको, देखो कब पेमेंट करता है। तो दोस्तों फाइनली देखो वेट करने के बाद 4:29 हो रहा है और यहाँ से मुझे एक फिर से पोर्टल में भेजा है प्रतापगंज के लिए इंडस्ट्री एरिया भाई, 447 रुपये का अमाउंट है ठीक है। और पिकअप कहाँ से, ये आगे से, मज़ा आ गया भाई, बस पार्सल भी मज़ेदार होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहता तेरा भाई। पार्सल जैन बनो, सिर्फ 1 मिनट की दूरी है बस, इससे बजी थी एक सेक्टर 10A के लिए 121 रुपये का था, मैंने लिया नहीं, हाथ पड़े लेना तो थोड़ा लंबा पकड़ो तभी मजा आएगा। अब यहाँ से यू टर्न लेना है, अच्छा ये देना। लो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रिप, कितने किलोमीटर है बोला था ना, 45 किलोमीटर है, ऐसे 44 किलोमीटर, 44 1 घंटा 25 मिनट 6 मिनट ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर आपको प्रतापगंज में इंडस्ट्री एरिया ठीक है। 4:37 हो गया, 6 बजे दिखा रहा है, देखते। हाँ हाँ हाँ, तो नाम क्या है उनका, नाम तो बताओ तभी तो बात करूँगा। एक मिनट बात कर लो फिर, ये पार्सल देना था, ये सामने वाले ऑफिस है ना, उनसे एक बार बात कर लेता है स्पीकर पे। हाँ जी, अच्छा कल सुबह ले जाना है, ठीक है दे रहा हूँ उनको, ठीक है ये बैग है, हाँ खाली बैग है ठीक है। ओ भाई एक तो जुकाम ने परेशान कर दिया, कल आप इस कस्टमर को फोन कर लो। तो भाई दोस्तों हो गया हमारा डिलीवरी डन ठीक है, ऊपर देते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मगर एक प्रॉब्लम है यार, इससे पहले जो मैंने पार्सल डिलीवरी किया था यार उसका भी पेमेंट नहीं आया अभी तक। आ गया, अब आया 393 रुपये आ गया यार, पूरे बोला 10 मिनट में आ रहा है और पूरे के पूरे 1.5 घंटे लगा दिए इसने। हाँ तो यार ऐसे एक बंदों को छोड़ना भी है ना गुनाह लगता है मेरे को। अब रह गया इसका, इसको डन कर देता हूँ और देखते हैं हमें कितना मिलता है भाई। 6:20 हो गए, अपडेटिंग 1135 हो गए भाई, 358 रुपये मिले। चलो देखते हैं अब कोई अपडेट होगा तो बताते हैं, फिलहाल बाकी हमने तो लगा दिया सबको होम रोड पे,
इसका तो पता नहीं है, इसका तो लगता नहीं है, तो नसीब के हिसाब से चलता भाई। नसीब चमका तो ऐसे दर्जवार का दे देगा या मेरे उधर का दे देगा सीधा सा, है ना। कोई नहीं, चलो देखते हैं दोस्तों। यहाँ तो उम्मीद पर पानी फिर गया भाई, कुछ मिला ही नहीं भाई, ना कुछ बजा। बजा तो वो उल्टा बज रहा है नोएडा का, गाजियाबाद का, वहाँ क्या करूँगा यहाँ जाके। यहाँ आके फंस गया भाई, मैं भी शायद वहीं से अपने उस साइड का ही लेता नियर भाई। अब यहाँ से करीब किलोमीटर कितना है घर का डिस्टेंस भाई, 34 किलोमीटर है। पार्सल बजा कहाँ का बजा, इतनी देर में तो गायब हो जाएगा। दो बॉक्स जाना है, 50 रुपये देगा। इस पर भी ग्रेटर नोएडा का ही बज रहा यार, कुछ नहीं बज रहा यार, पता नहीं क्या होगा। 9 मिनट और वेट करता हूँ और 7 बजे यहाँ से फिर निकल लूँगा, फिर देखूँगा पोर्टल बंद कर दूँगा, फिर राइट का ही देखूँगा, राइट राइट मारूँगा, है ना। चलो देखते हैं क्या अपडेट होती है। दोस्तों बड़ी दुखद के साथ कहना पड़ रहा भाई कि वहां से 35 किलोमीटर हम खाली आए, 35 किलोमीटर। सोचा था यार कि ये इंडस्ट्री एरिया है प्रतापगंज, यार कम से कम अब ये समझ गया कि भाई इंडस्ट्री एरिया है। अगर आप 5 बजे से पहले पहले अगर कोई भी इंडस्ट्री एरिया पहुंच जाते हो तो समझ लो आपको मिल जाएगा अपने एरिया का है कहीं का भी, ठीक है। मगर आप 6 बजे तक पहुंचते हो तो भाई चाहे वो मानेसर हो, चाहे मंगलपुरी हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो, तो भाई लग भाई चांस है आपका बचेगा। तो भाई वहाँ करीब मैंने 1 घंटा वेट किया, 6 बजे करीब मैं पहुंच गया था, 6:07 पे 6:05 पे। उसके बाद मैंने 7 बजे तक वहाँ वेट किया, बट कोई आसान नहीं दिखे मुझे, तो मैं धीरे धीरे फिर घर को ही आ गया। आके भी क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा तो भाई अगर मैं गुड़गांव से घर के रूट पे मैं होम रूट लगा लेता तो करीब भाई 350 तो ऐसे ही कमा लेता, मैं 35 किलोमीटर भी बच जाता। ये गलती कर दी मैंने, बट कहते हैं ना कोई गलतियों से इंसान सीखता है, तो कोई बात नहीं सीख गए भाई। मैं टोटल कमाई हुई है 1247, ठीक है। और आज तो भाई टोटल में किया भाई, होटल में किया हमने 1137 और 119 हमारा रैपिडो, दोनों मिला के हो गया हमारा 1247 भाई। बाइक हमारी जो चली थी सुबह की जो रीडिंग थी वो तो सिर्फ 70 और अभी हो रही है भाई 46 हो रहा है, बट 250 हो जाएगा, 4 किलोमीटर घर का मान लो 250 किया, ठीक है। तो 250 में हमने 70 निकाला तो भाई बच गया हमारा 180। अब ये गाँव का बज रहा है, तो अराउंड हमने 300 का पेट्रोल मान लिया, तो भाई 300 का पेट्रोल माना तो 1247 में हमने 300 का पेट्रोल निकाल दिया तो भाई बचता है 947 भाई। कितने घंटे में, 10:30 बजे हमने करीब एक ट्रिप ली थी वही कीर्तिनगर मायापुरी के लिए, और अभी फिलहाल 8:15 हो रहा है, ठीक है। घर जाके 8:30 हो जाएंगे, 8:22 हो चुका है, घर जाके 8:30 हो जाएंगे, तो अराउंड 10 घंटे। 10 घंटे में भाई आज 947 रुपये कमाए, बल्कि ये कमा सकते थे कमी में, 8 घंटे में हो सकता था हमारा, अगर हम घर का रूट ले लेते तो 8 घंटे में हमारा 1000 रुपये बन जाते। ये छोटा मोटा तो हम भी ऐसे मान लेते यार, 1000 रुपये तो कर ही लेते, पेट्रोल निकाल के 1000 बच जाते आज। कोई नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो भाई यही थी हमारी कमाई आज की, 10 घंटे में 947। कोई नहीं, इसका बदला कर ले लेंगे। जो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।